रैम्बो को 2019 में रिलीज करना एक सही आइडिया हो सकता था? क्या टाइगर एक्टिंग वाइज रैम्बो किरदार को परफेक्टली निभा पाएंगे? और क्या टाइगर के अलावा सपोर्टिंग रोल्स में और कौन कौन एक्टर्स हो सकते हैं? हेलो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। रैम्बो की बातें जोर पर है, कुछ छोटे अपडेट्स मूवी के रिलेटेड मिलते जा रहे हैं, लेकिन असल में इसकी शूट शुरू होने में ही नहीं आ रही है। मूवी की बात करें तो इसकी शूटिंग टाइगर श्रॉफ के फ्री होने पर ही शुरू होगी, जिनका स्केड्यूल गणपत हीरोपंती 2 जैसी मूवीज के साथ काफी बिजी है। शूट शुरू होने में लगभग एक साल का वक्त तो जरूर लग सकता है, और इसी के बाद पता चल जाएगा कि रैम्बो रीमेक ओरिजिनल मूवी से कितना मेल खाती है। जब टाइगर की बागी सीरीज को कंपेयर करें, जिसको लोगों ने काफी अच्छा बोला था, वो ओरिजिनल रैम्बो के नियर भी नहीं आ पाती। मतलब इस बार फिल्म हर एस्पेक्ट में एक बड़ा चैलेंज बन के उभरने वाली है। खासकर टाइगर की बागी 2 ऑलमोस्ट सिमिलर रही थी रैम्बो के बेसिक प्लॉट से, इसलिए अब ये देखने वाली बात होगी कि ये रैम्बो में बागी 2 की छाप किस तरह अवॉइड करते दिखेंगे। रीमेक्स की बात करें तो मोस्टली बॉलीवुड मूवीज रीमेक करने में लगी है, तो हो सकता है कि जब रैम्बो रिलीज हो तब कोई और हिट मूवी की रीमेक भी साथ में आ जाए, जो कि रैम्बो का काम मुश्किल कर दे। ओपिनियंस की बात करें तो अगर ये मूवी पहले ही शूट हो जाती 2019 में और रिलीज होती तो इसका काफी हाइप होता और चांसेस भी हाई थे कि ये मूवी एक बड़ी हिट होती। पर सवाल ये भी है कि 2019 में ही क्यों? क्योंकि ओरिजिनल रैम्बो सीरीज की आखिरी मूवी यानी कि फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 2019 में रिलीज हुई थी, और अनाउंसमेंट के बाद लोग काफी एक्साइटेड थे, और उस समय इसकी रीमेक रिलीज करना एक बहुत बड़ा फायदेमंद सौदा बन सकता था। डिलेज की वजह से सबसे बड़ी बात ये भी हुई कि 2016 में इसकी रीमेक के अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने काफी इंतजार किया, और इनमें से काफी लोगों ने ओरिजिनल सीरीज भी देख ली है। अब टाइगर की रैम्बो से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, क्योंकि काफी ऑडियंस ओरिजिनल मूवी फिल्म के मैजिक से वाकिफ है, जिसका सीधा मतलब है टाइगर के रीमेक पर की लेगेसी बरकरार रखने का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो वहीं अगर टाइगर की रैम्बो सेम टू सेम कॉपी करती है तो इतना मजा नहीं आएगा। कास्टिंग्स की बात करें तो लीड के अलावा इस मूवी में चीफ ऑफिसर और ऑपोजिट कंट्री के ऑफिसर्स का रोल भी, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, और इनके रोल्स की अनाउंसमेंट अभी हुई भी नहीं। चीफ के रोल्स में अगर किसी को फिट किया जा सकता है तो वो या तो बमन ईरानी है या फिर मनोज बाजपेयी। ये दोनों ही काफी बड़े एक्टर्स हैं और अपनी एक्टिंग का हर बार प्रूफ देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर बिल्कुल करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और हम फिर हाजिर होंगे आपके मन पसंदीदा सितारों से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग खबर को लेकर। तब तक आप अपनी नजरें बनाए रखिएगा बॉलीवुड स्टूडियोज।